नमस्कार, हिंदी विभाग राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय आपका स्वागत करता है। और आज का हमारा वीडियो बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए है। उनका जो द्वितीय पेपर है गद्य, उस पर हम बात कर रहे थे और हमने उसका पहला अध्याय पढ़ लिया था, पंच परमेश्वर। और दूसरा अध्याय मैम ने करवा दिया आपको, जो कहानी है आर की जीत। आज हम तीसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे, जो है बनारसी एका, जो बेढब बनारसी द्वारा लिखित एक ललित निबंध है, हास्य व्यंग्य के तरह का। और उस समय की गद्य शैली, उस समय की भाषा को भी दर्शाता है जिस दौर में ये लिखा गया। और जो इसके राइटर हैं, वो उनका नाम भी बड़ा जो है यूनिक है, बेढब बनारसी, यानी बिना ढब के वो बनारस में रहने वाला व्यक्ति। तो इस निबंध पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ी सी जो है बेढब बनारसी पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में भी कई बार कहा है आपको, कि जो पाठ के आगे आपका जो पृष्ठ दिया हुआ होता है, उसको गौर से आप पढ़िए, उसमें से कई दो दो अंकों के छोटे प्रश्न निकल जाते हैं। और आज भी मैं वही आपको पढ़कर उसी पर चर्चा करूँगा और बताऊंगा कि जो है क्या उसमें उनके बारे में लिखा गया है, क्योंकि वो जो लिखा जाता है परीक्षक वहीं से जो है प्रश्न बनाता है। तो बेढब बनारसी जो थे, उनका जन्म 1995 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1968 में हुई। तो इस तरह से ये लगभग 73 साल जीवित रहे थे। और इनका साहित्यिक नाम बेढब बनारसी था, जो पहली पंक्ति लिख रहा है राइटर यहाँ के, कृष्ण देव प्रसाद गौड का साहित्यिक नाम बेढब बनारसी है। तो एक दो नंबर का सीधा प्रश्न आपके बन गया कि कृष्ण देव प्रसाद गौड किसका साहित्यिक जो है, किसका नाम है, कौन से साहित्यिक व्यक्ति का, तो बेढब बनारसी। या फिर परीक्षक ऐसे पूछ ले कि बेढब बनारसी का मूल नाम क्या है, तो कृष्ण देव प्रसाद गौड। और इनका जन्म वाराणसी में हुआ। यहाँ मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि वाराणसी, बनारस, काशी, ये सब एक ही शहर के नाम हैं। वैसे आप परिचित होंगे, क्योंकि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय वहीं से सांसद हैं, तो चर्चा में काफ़ी रहता है बनारस, वाराणसी। तो ये वाराणसी, बनारस, काशी, ये सब एक ही शहर के नाम है, तो इससे आपको जो है वो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और उत्तर प्रदेश का एक काफ़ी बड़ा जिला और शहर है ये। MA LT करने के कुछ समय पश्चात वे काशी के DAV कॉलेज में अध्यापक हुए। बाद में उन्होंने प्राचार्य पद पर भी कार्य किया, यानी ये टीचर थे और DAV जो कॉलेज था बनारस में, वहाँ पर प्रिंसिपल भी ये रहे। आगे लिखते हैं कि वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंत्री, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रधानमंत्री, प्रसाद परिषद के उपसभापति और हिंदुस्तानी अकादमी के सदस्य रहे। तो ये कुछ संस्थाएं हैं जो हिंदी प्रचार प्रसार से जुड़ी हुई थी। और इन सब से हमारे कृष्ण देव प्रसाद गौड उर्फ बेढब बनारसी जुड़े हुए थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और उसको आगे बढ़ाने के लिए 1 मई 1910 को हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना प्रयागराज, जो पुराने समय में इलाहाबाद नाम से जाना जाता था, उस शहर में जो है इसकी हुई थी। और इस संस्था का मुख्य कार्य जो है वो हिंदी के लेखकों को प्रोत्साहन देना और भाषा का प्रचार प्रसार करना था। तो ये उसमें मंत्री थे काशी नागरी हिंदी साहित्य सम्मेलन में, और काशी नागरी प्रचारिणी सभा में प्रधानमंत्री थे। ये काशी नागरी प्रचारिणी सभा भी हिंदी भाषा के उन्नयन के लिए और उन्नति के लिए बनाई गई संस्था है, और इनके आज भी कार्यालय और बहुत बड़ी इनकी जो है कार्यालय, लाइब्रेरी और काफ़ी कुछ इनका है। कभी आप उधर बनारस जाएं तो देखने का मौका मिले आपको। तो ये 1893 में स्थापित की गई थी काशी नागरी प्रचारिणी सभा, और इसका भी मूल कार्य हिंदी को आगे बढ़ाने का था, और इसका कार्यालय बनारस में है, और बेढब जी खुद ही बनारस से थे। तो यहाँ पे इसी प्रकार वो हिंदुस्तानी अकादमी के भी सदस्य थे।
ये हिंदुस्तानी अकादमी इन दोनों से इस मामले में अलग है कि ये हिंदी के अलावा अन्य जो उसकी सहयोगी भाषाएं हैं उसको भी आगे बढ़ाने का काम करती है। इलाहाबाद की जो हिंदुस्तानी अकादमी है ये वहाँ इलाहाबाद में बनी हुई है। तो इस प्रकार से ये इसको देखकर हमें बिल्कुल ये पता चलता है कि बेटा बनारसी जो थे वो विभिन्न साहित्यिक मूवमेंट से जुड़े हुए थे। ये उनके एक व्यक्तित्व का हमें पता चलता है कि इतनी संस्थाओं से वो जुड़े हुए थे। और इससे एक ये भी बात पता चलती है कि हिंदी भाषा को प्रचार प्रसारित करने में उसको आगे बढ़ाने में भी इनका काफ़ी बड़ा जो है योगदान था। इन्होंने हास्य रस की कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और एक जो इन्होंने खुद ने चालू की थी भूत साप्ताहिक पत्र जो है। भूत शायद नहीं पूछेंगे परीक्षा में इस तरह से, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले कि जो है भूत नाम की जो साप्ताहिक पत्रिका थी वो बनारस से किसने प्रकाशित की, तो वो बेटा बनारसी नहीं। अब आप देखिए नाम भी चुनकर लाए भूत, लोग जीवित व्यक्तियों पर नाम रखते हैं और ये जो है भूत के ऊपर इन्होंने अपनी पत्रिका का पत्र का नाम रखा जो बनारस से 1930 में प्रकाशित होता था। तो इस तरह के जो है हमारे बेटा बनारसी जी थे, बड़ा हास्य व्यंग्य लिखने वाले। आगे जो हमारा भूमिका लेखक है वो लिखता है कि उनका कृतित्व कविता कहानी नाटक संस्मरण निबंध आदि अनेक साहित्य रूपों में प्रतिफलित हुआ। यानी ना केवल उन्होंने निबंध लिखे हैं, ये आप जरूर अगर बड़ा सवाल आता है लेखक जो परिचय हम उसमें देते हैं तो ये आप उसमें जरूर मेंशन करें कि बेटा बनारसी उर्फ कन्या कृष्ण देव प्रसाद गौड़ जो है वह केवल निबंधकार नहीं थे बल्कि कहानीकार नाटककार संस्मरण रचयिता भी थे। वे हास्य रस के यशस्वी कवि और व्यंग्यकार हैं। यानी उनकी मूल जो प्रवृत्ति है वो हास्य रस की है। पद्य और गद्य दोनों में उनकी समान गति है। उनकी प्रकाशित कृतियां हैं बेढप की बहक, मसूरी वाली, गांधी जी का भूत तथा टनाटन, अभिनेता, पिंकसन की डायरी और बनारसी एका जो हमारे जो है कोर्स में लगा हुआ है। तो इस तरह से जो है बेढप बनारसी जी का व्यक्तित्व बड़ा बहुआयामी रहा। और उनकी कुछ दो तीन कविता की पंक्तियां मैं आपको बताना चाहूँगा जिससे आपको लगेगा कि नहीं केवल वो हास्य व्यंग्य के ही व्यक्ति नहीं थे बल्कि उनकी दृष्टि जो है कितना दूर तक जाती थी और कैसे साहित्यकार वो सच और यथार्थ देखता है जो समाज का एक बड़ा कड़वा यथार्थ होता है जो हमें साधारण मनुष्य को नज़र नहीं आता। और कवि या रचनाकार उसी साधारण सत्य को अपनी कविता या रचना में प्रस्तुत करके असाधारण बना देता है। वो लिखते हैं कि गांव में खाने को लोग हैं तरसते, शहर में ओस बन रुपए बरसते। ये हमारे बेढप बनारस जी की कविता है कि गांव में तो लोग खाने को तरसते हैं और हम देखते ही हैं कि गांव में कितनी गरीबी है और कितनी जो है वो है कि वहाँ खाने के लिए भी जो है मुश्किल होती है। दूसरी तरफ क्या होता है कि शहर में ओस बन रुपए बरसते, वहीं दूसरी तरफ हमारे शहर हैं जहाँ जैसे ओस नहीं होती सुबह के समय, सर्दियों में अपन देखते हैं पेड़ पौधों के ऊपर इतनी सारी लगी होती है, वैसे शहर में जो है पैसे जो है बरसते हैं। बिल्कुल दो विपरीत ध्रुवों का वर्णन यहाँ बेढप जी कर रहे हैं कि एक तरफ हमने हमारे शहर बनाए हैं जहाँ पैसों का पूरा प्रदर्शन है, पूरा जो है कह लीजिए आपके उनकी गाथाएं हैं, उनके उनका जो है विलासितापूर्ण प्रदर्शन है, बरस रहे हैं वहाँ पे जैसे पानी बरसता है वैसे, और दूसरी तरफ गांव में तो जो है खाने को भी लोगों को तरसना पड़ता है। तो ये जो कविता है वो ये भी दिखाती है कि बेढप बनारसी केवल हास्य व्यंग्य करना नहीं जानते बल्कि वो सामाजिक यथार्थ के भी रचनाकार हैं। इसी तरह से एक और कविता की पंक्ति जो है वह लिखते हैं कि पेट नहीं भरता है जब तक हमारा, कोई ना ही अच्छा हमें लगता है नारा। यानी जब तक हमारा पेट नहीं भरता है तब तक हमें कोई नारा अच्छा नहीं लगता है। यानी
आज की राजनीति, आज के हालात पर भी आप देख लीजिए, और उस समय भी जब ये लिख रहे थे तब की भी वास्तविकता का वो कैसा अद्भुत वर्णन करते हैं कि जब तक मनुष्य का पेट नहीं भरता है तब तक जो है कोई हमें नारा अच्छा नहीं लगता है, यानी जिसको हम अपनी सहज भाषा में कहते हैं कि भूखे भजन ना होए गोपाला। मनुष्य का अगर पेट खाली होगा तो ना तो उसे नारा अच्छा लगेगा, ना ही कोई भजन या भक्ति अच्छी लगेगी। वो जब पेट भरा हुआ होता है तभी जो है हमें ये नारे भी तमाम अच्छे लगते हैं। इसी तरह का एक शेर भी है नज़ीर अकबराबादी का, इलाहाबादी का है शायद, कि हमें मतलब चांद सूरज से कोई मतलब नहीं है, हमें तो नज़र आती है रोटियां। यानी हो सकता है आपको आकाश में चांद और सूरज लगते होंगे लेकिन हमें तो इसमें रोटियां नज़र आती है। वो उर्दू के शायर थे तो वो उस तरह से वर्णन कर रहे थे यथार्थ का, और हमारे हिंदी के जो साहित्यकार हैं दोनों की भावनाएं आप देखिए कि एक धरातल पर है, एक जगह है, लेकिन दोनों लिख वही रहे हैं कि जो है पेट जो है वो भरा हुआ होता है तभी हमें सब नारे और वो सब अच्छे लगते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने आज बेडब जी के बारे में बातें की और बेडब बनारसी जी के व्यक्तित्व पर चर्चा की कि कैसे जो है वो किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए थे और कैसा उनका बहुआयामी व्यक्तित्व था, और क्या उनका जो मूल नाम जो था वो कृष्णदेव प्रसाद गौड था, उन्होंने अपना नाम फिर बेडब बनारसी रख लिया। उनका जन्म बनारस में हुआ और वो विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष थे। तो कई छोटे छोटे दो दो नंबर के प्रश्न अगर इन रचनाकार पर केंद्रित करके कई बार पूछे जाते हैं तो मुझे सबसे महत्वपूर्ण तो यही लगता है कि बेडब बनारसी का मूल नाम क्या था, कृष्णदेव प्रसाद गौड। इतनी बार मैंने वीडियो में कह दिया, शायद आप वीडियो देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। और 1895 में इनका जन्म हुआ और 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी हाँ, अब एक सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि बेडब बनारसी जी की कुछ रचनाओं के नाम बताओ, तो वो बेडब की बहक है, मसूरी वाली, गांधी जी का भूत और टनाटन, अभिनेता, पिंशन की डायरी, तो कोई भी दो रचनाएं आप याद कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमने आज रचनाकार का परिचय प्राप्त किया। आगामी कक्षा में हम इनके निबंध का अध्ययन करेंगे और उस निबंध के साथ साथ हम थोड़ा सा, चूँकि नाम में बनारस ही है तो हम बनारस की जो है चर्चा भी करेंगे, थोड़ा बनारस को भी हम बात करेंगे उस पर कि जो, क्योंकि नाम में बनारसी एका है तो बनारस को भी थोड़ी बहुत हम उस पर भी हम बात करेंगे ताकि समझ आए कि उसी शहर में उसी तरह के रिक्शे या इक्के हो सकते हैं, चूँकि वो शहरी अनूठा है तो वहाँ पर रिक्शे तो उससे अनूठे ही होंगे। धन्यवाद।